नमस्ते, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। जीवा को आज मैंने स्कूल नहीं भेजा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कल तो उसे दो तीन बार फीवर आया। फीवर तो अभी ठीक है, आज उसे फीवर तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा वीक लग रही है वो। अपना बाकी मस्ती वो कर रही है, हल्की फुल्की ड्राइंग कर रही है, पेंटिंग कर रही है, लेकिन आज उसको मैंने रेस्ट दिया है। कल मैं उसे स्कूल भेजूंगी, देख कर अच्छी तरीके से, अगर वो पूरी तरीके से ठीक हुई, उसे लगा कि हाँ वो स्कूल जा सकती है। बाकी आज वेदर फिर से बड़ा ह्यूमिडिटी वाला है। तीन चार दिन पहले ये बारिश हुई थी, ऐसा लग रहा था कि अब वेदर चेंज हो जाएगा, अब पहले की तरह इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, हिली एरियाज में हो सकता है कि ठंड वाला मौसम स्टार्ट होना शुरू हो गया हो। बाकी आप लोग भी अपना इस सीजन में बहुत बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये जो चेंज वाला सीजन होता है इसमें बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। आपकी तबीयत कैसी है अभी? ठीक नहीं है। अभी भी यू आर नॉट वेल? ठीक से नहीं। जीवू को कल फीवर था, सुबह भी इसका मुझे माथा गर्म लग रहा था, मैंने दोबारा से वेट टॉवल किया, इसको फिर मेडिसिन दी। अभी थोड़ा ठीक है ना बाबू? हाँ अभी ठीक है। और जीवा ट्राई कर रही है पाम ड्राइंग। आप क्या बना रहे हो? पीकॉक बना रहे हो? अच्छा, एक बार देख लो। देखो तो जीवा थोड़ा हेल्प ले रही है टीवी की और उसमें देख के बना रही है पाम ड्राइंग, है ना। तो ये देखिए, ये बहुत सुंदर है, कितना सुंदर पीकॉक बन रहा है हाथों की हेल्प से, और ये बहुत अच्छा है, आप बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो जीवा सीख रही है पाम ड्राइंग और इससे पीकॉक बना रही है। तो पहली कोशिश में अच्छा नहीं बन पाया, दोबारा से ट्राई कर रही है जीवा। अच्छा, आपकी ड्राइंग की बुक तो पूरी खत्म हो गई है ना? आपने इसको पूरी नहीं कर रही हूं, मैं गेम बनाऊंगी सब कुछ। क्या, कौन सा गेम बनाओगे? पीकॉक। ठीक है ठीक है। क्या कर रहे हो? अच्छा, मैंने जीवा को जूस दिया था तो इसको भी चाहिए जूस, अब जूस पी रही है। जूस के शौकीन हो आप? आपको जूस अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। हाय कर दो, इधर देख के हाय कर दो। हाय। को पसंद है, जीवा को भी पसंद है, हम सभी को पसंद है। तो ये बन रही है पालक कढ़ी, और जीवा की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं बना रही हूँ उसके लिए। आज थोड़ा सा फीवर उसे कम हुआ है, और कल तो बहुत ही हालत खराब थी जीवा की, आज उसे मैंने स्कूल नहीं भेजा। ये है बूंदी का पैकेट। आज मैंने दिन में सोचा था रायता बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने रायता नहीं बनाया, मैंने स्किप कर दिया। मैंने कहा कहीं रायते की वजह से और ज़्यादा कोल्ड कफ ना हो जाए, क्योंकि सभी को घर में कोल्ड है, मुझे भी हल्का फुल्का कोल्ड है, तो मैंने नहीं बनाया। हाँ अच्छा, फिर ये बूंदी को एज अ नमकीन भी यूज़ कर सकते हैं। देख लिया जिविशा ने मेरे हाथ में और बोलने लगी मुझे भी खाना है, शोर करने लगी, तो थोड़ा सा मैंने उसे दे दिया। तो ये बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है, ये इसको नमकीन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं देना चाहिए। लेकिन बूंदी का रायता आप बना सकते हो, इसे कढ़ी में भी डाल सकते हो। ये बैलून जीवा के बर्थडे पे लगाए हुए थे तो अभी यहीं पे लगे हुए, मैंने निकाले नहीं, अभी ये यहीं पे लगे रहेंगे, इनको मैं निकालूंगी नहीं। अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। जीवा को आज मैंने बाहर नहीं भेजा प्ले करने के लिए, मैंने उसको पूछा था आपको प्ले करने जाना, उसने बोला नहीं मुझे जाना, उसका मन नहीं है, क्योंकि तबीयत उसकी थोड़ी ढीली है अभी, और अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। बीच बीच में उसका फोरहेड गर्म होता रहता है, मुझे उसे बहुत वॉच करना पड़ता है। आज वो स्कूल नहीं गई थी, कल भी मैं चेक करूँगी सुबह, और पूरे अच्छे तरीके से देख कर ही उसे स्कूल भेजूँगी। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, और आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। और हमारे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताना, कॉमेंट ज़रूर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना।